पवन जी का नाम ऐसे ही पावर स्टार नहीं, उनके पास उनके आवाज़ का पावर है। उनका कोई भी गाना कभी भी ट्रेंड कर सकता है, वो इतने गुणी हैं। यूट्यूब पे कोई सेंसर बोर्ड नहीं है, तो वहाँ पे ऐसे गाने चलते हैं, लोग सुनते हैं और जनता पसंद कर रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं पसंद करी, जनता पसंद कर रही है, पर जो अश्लीलता का जो धब्बा लगता है वो सिनेमा पर नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। हम लोगों ने भी ऐसे बहुत गाने किए हैं पहले जो अच्छे नहीं हैं, आज हमको एहसास हुआ तो हमने छोड़ दिया वो करना। तो ये याद रखिए कि आप अपनी मातृभाषा बोल रहे हैं और इसकी सभ्यता और इसकी इज्जत आप ही को रखनी है। चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मतलब मैं अभी हाल ही में आजमगढ़ में बहुत सारे मूवी शूट की हैं, कब तक हमारे ऑडियंस को देखने को मिलने वाला है और क्या कॉन्सेप्ट है? बहुत सारी फिल्में अभी अभी हमने शूट की, मैंने, काजल राघवानी जी ने, दिनेश जी ने, मेरे हस्बैंड की शादी है जिसके डायरेक्टर हैं मंजुल ठाकुर जी, और उसके बाद अभी हम लोग शूट कर रहे हैं फिल्म मंडप। दोनों बहुत अच्छी फिल्म है और वन लाइन जानने के लिए तो आपको सिनेमा देखना पड़ेगा, बट मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ कि फिल्म बहुत अच्छी बनी है और दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है हमारे ऑडियंस को? बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। अभी मेरी एक फिल्म आ रही है विद्या, जो कि मैंने एक ऐसी लड़की की कहानी की है जिसके पास जीवन में बेसिक अम्यूनिटीज़ भी नहीं थी, फिर भी कैसे वो अपने ही ज़िले की DM बनती है, इसकी कहानी है। तो ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियों पर हम लोग काम कर रहे हैं जो कि बहुत जल्द लोगों के बीच आएगी। अच्छा, अमरपाली मैम हमेशा सिलेक्टेड मूवी करती हैं जो मतलब हमारे ऑडियंस को कुछ नया देखने को मिले। जी बिल्कुल, एक्चुअली मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट मेरा यही फ़र्ज़ बनता है कि मैं ऐसी स्क्रिप्ट करूँ, ऐसा किरदार करूँ जो मेरी जनता को, मेरे दर्शकों को पसंद आए। और हमेशा मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं 100 फिल्में ना करूं, एक ही फिल्म करूं पर अच्छी करूं, 1000 लोगों के साथ काम नहीं करूं, एक ही दो लोग के साथ काम करूं जो अच्छे एक्टर्स हैं। तो मेरा हमेशा यही कोशिश मेरी रहती है कि मैं अच्छी स्क्रिप्ट पे काम करूं। अच्छा मैम, अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में दिनेश लाल यादव ने, रघुआ जी आप भी नज़र आ रहे थे, काजल अगवानी भी नज़र आ रही थी, और उसके अंदर दिनेश लाल यादव जी ने कह दिया कि ये चोली घाघरा ये सब जो है सिर्फ भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में होता है, मूवी इंडस्ट्री में हमारा बहुत साफ सुथरा है, मूवी इंडस्ट्री को और एल्बम इंडस्ट्री को एक साथ ना जोड़े। जी बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम फिल्म बनाते हैं तो फिल्म में एक फिल्म को देख के सर्टिफिकेट देने वाला एक बोर्ड होता है, सेंसर बोर्ड। तो सेंसर बोर्ड तो ना आपका है, ना मेरा है, ना किसी और का है। सेंसर बोर्ड देखता है, उसको लगता है कि यह चीज़ ख़राब है, काट के फेंक देता है फिल्म से। अगर हम कोशिश करें भी कि कुछ ढोड़ी घघरा डालने की कोशिश भी करें अगर, तो सेंसर सीधा काट के फेंक देगा, तो प्रोड्यूसर अपने पैसे क्यों वेस्ट करेगा? यूट्यूब पे कोई सेंसर बोर्ड नहीं है, तो वहाँ पे ऐसे गाने चलते हैं, लोग सुनते हैं और जनता पसंद कर रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं पसंद करी, जनता पसंद कर रही है, पर जो अश्लीलता का जो धब्बा लगता है वो सिनेमा पर नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा अमरपाली मैम का, जब भी हम लोग मूवी देखने आते हैं तो हमेशा से कुछ नया देखने को मिलता है क्या? मतलब हमारे एल्बम इंडस्ट्री में जो है, मतलब चोली घाघरा का जो बढ़ाव है बहुत ज़्यादा, आप बैठ सकती हैं आराम से, मतलब उसका जो बढ़ावा है बहुत तेज़ी से उसके अंदर फैलता जा रहा है और बहुत ज़्यादा लोग बढ़ा चढ़ा के करते हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि उनके ऊपर दबाव बनाया जाए, हमारे भोजपुरी एल्बम पे भी सेंसर लगाया जाए, बिहार सरकार से मांग की जाए उस पे भी सेंसर लगे ताकि हमारे भोजपुरी ऑडियंस के बीच इस चीज़ का बढ़ावा ना हो? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन सरकार की भी लिमिटेशन होती है। सरकार एक आदमी को, दो आदमी को, तीन आदमी को, मतलब कितने लोगों को सरकार भी रोकेगी? आई थिंक ये तो खुद अपने अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि मैं जब कोई गाना गा रहा हूँ किसी भाषा का नाम लेके, तो भाषा मेरी मातृभाषा है, उसे मैं लोगों के सामने कैसे परोसूँ, कैसे प्रस्तुत करूँ, ये समझ खुद व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। तो जब आप खुद आकलन करेंगे और खुद गलत चीज़ें नहीं गाएंगे तो सरकार को आप पे मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद सोचिए कि आप अगर ये गा रहे हैं तो ये अच्छा है क्या? अगर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अच्छा नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। और मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि किसी ने नहीं किया, हम लोगों ने भी ऐसे बहुत गाने किए हैं पहले जो अच्छे नहीं हैं, आज हमको एहसास हुआ तो हमने छोड़ दिया वो करना। जिस समय पे आपको एहसास हो जाए आपको छोड़ देना चाहिए। तो मैं यही निवेदन करती हूँ कि आप लोग एहसास कर लीजिए, और जब भी कुछ गा रहे हैं, अपने मुँह से भोजपुरी शब्दों को निकाल रहे हैं, तो ये याद रखिए कि आप अपनी मातृभाषा बोल रहे हैं और इसकी सभ्यता और इसकी इज्जत आप ही को रखनी है। अभी पावर स्टार पवन सिंह जी का गाना ट्रेंडिंग में आया है, क्या कहना चाहेंगे? पवन जी का नाम ऐसे ही पावर स्टार नहीं, उनके पास उनके आवाज़ का पावर है। उनका कोई भी गाना कभी भी ट्रेंड कर सकता है, वो इतने गुणी हैं। क्या कहना चाहेंगे चलते चलते अपने ऑडियंस को? बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जितना प्यार और आशीर्वाद हमको देते हैं उतना ही प्यार और आशीर्वाद देते रहिए, और हम अपनी आखिरी सांस तक यही कोशिश करेंगे कि आप लोगों के प्यार पर खरे उतरे, अच्छा अच्छा काम करें जो आप लोगों को पसंद आए। धन्यवाद।